नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लीला सिंह और आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है और वह है टायर एयर प्रेशर चेक करवाना। दोस्तों, गाड़ी के टायरों का एयर प्रेशर आप सर्दी के मौसम में 15 दिन में एक बार, गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक बार अवश्य चेक कराएं। कहाँ चेक कराएं? इसके लिए आप कोई अच्छी सी दुकान जहाँ पर जिनका जो गेज का मीटर है वो डिजिटल हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे पेट्रोल पंप पे भी ये सुविधा आपको फ्री मिलती है। जब भी आप पेट्रोल भरवाएं तो वहाँ एयर प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। अब एयर प्रेशर कितना चेक कराना चाहिए, तो इसके लिए हर गाड़ी का एक स्टैंडर्ड होता है, एयर प्रेशर रिकमेंडेड होता है। गाड़ी के जो कंपनी है वो रिकमेंडेड करती हैं कि पीछे वाले टायरों में कितना प्रेशर रहना चाहिए, आगे वाले टायरों में कितना प्रेशर रहना चाहिए, बाइक है तो बाइक के आगे पीछे दोनों टायरों में कितना कितना प्रेशर रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही रिकमेंडेड जो प्रेशर है वो आप अपनी गाड़ी में भरवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कई बार जब हम गाड़ी का एयर प्रेशर काफ़ी टाइम में नहीं चेक करवाते हैं तो दो तरह से होता है, या तो प्रेशर हाई हो जाता है, गर्मी जैसे गर्मी पड़ती है, टायर गर्म होता है तो हवा फैलती है जिससे एयर प्रेशर टायर का बढ़ जाता है, या गाड़ी खड़ी रहती है, कम चलती है, या कोई लीकेज प्रॉब्लम है, पंचर है फरीक, या कोई और लीकेज है जिससे प्रेशर कम हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में नुकसानदायक है, एयर प्रेशर हाई हो या लो हो दोनों ही नुकसानदायक हैं। इसीलिए रिकमेंडेड जो प्रेशर है वो आपकी गाड़ी में रहेगा तो उसके फ़ायदे हैं बहुत। उन्हीं फ़ायदों में मैं चार फ़ायदों को आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है टायर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप गाड़ी में रिकमेंडेड प्रेशर रखते हैं मेंटेन करके तो आपकी टायर की लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी। जैसे अगर टायर का प्रेशर लो है, आपने हवा चेक कराई नहीं, तो धीरे धीरे किसी कारणवश प्रेशर लो हो गया, हवा कम हो गई, तो टायर का जो रोड से कांटेक्ट एरिया है वो अनइवन हो जाता है। मतलब कहीं ज़्यादातर अगर प्रेशर लो है तो आपके टायरों का जो साइड वॉल है वो डैमेज हो जाती है और शोल्डर पे ज़्यादा जोर पड़ता है, टायर का जो किनारा है दोनों तरफ का उस पे ज़्यादा जोर पड़ता है जिससे वो घिसने लगता है। इसी तरह से अगर आपके टायर का प्रेशर हाई है, ज़्यादा हवा भरी हुई है, तो वो कॉन्टेक्ट एरिया उसका कम होता है, वो बीच से ज़्यादा घिसने लगता है, टायर का बीच का जो हिस्सा है वो ज़्यादा घिसता है। दोनों ही स्थिति में टायर जल्दी घिस जाता है और हमें टायर बदलवाना पड़ता है। कई बार तो कम प्रेशर होता है टायर में और गाड़ी चलती रहती है जिससे टायर कट भी जाता है और हमें तुरंत बदलवाना पड़ता है। दूसरा फायदा है गाड़ी की फ्यूल इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है। अगर आपका प्रेशर लो है तो टायर का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस टायर का बढ़ जाएगा जिससे इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और आपका एवरेज कम हो जाएगा, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। अगर प्रेशर हाई है तो उसके अलग नुकसान हैं। तीसरा फायदा है आपका सस्पेंशन, जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है हमारा सस्पेंशन है, वो बाइक है या आपकी गाड़ी है, चार पहिए का फोर व्हीलर है,
उसका जो सस्पेंशन है, अगर आपके गाड़ी के टायरों का प्रेशर लो है या हाई है, दोनों ही स्थिति में सस्पेंशन जल्दी ख़राब होता है। इसका कारण ये है कि अगर लो है प्रेशर या हाई है तो उससे टायर बबल करता है, वाइब्रेशन हो जाती है, जिससे वाइब्रेशन की वजह से सस्पेंशन हिलने लगता है और लूज हो जाता है और धीरे धीरे उसके पार्ट्स जो है घिसने लगते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो हमें चेंज कराने पड़ते हैं। चौथा फ़ायदा क्या है, गाड़ी बाइक हो या कार हो, स्मूथली ड्राइव होती है। अगर आपका प्रेशर सही रहता है, मेंटेन रहता है तो सही रहती है, हैंडलिंग अच्छी रहती है, ब्रेकिंग पावर जो है वो अच्छी रहती है। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा है तो ब्रेकिंग पावर अच्छी नहीं रहेगी, ब्रेक कम लगेंगे, और अगर प्रेशर लो है तो ब्रेक एकदम से ज़्यादा लगेंगे, तभी नुकसानदायक है। तो इस तरह से गाड़ी के प्रेशर चेक कराने के ये चार फायदे हैं, और इनसे जो हमारे बचत होती है, मान लो टायर घिस गया या सस्पेंशन ख़राब हो गया, उसमें जो पैसा लगेगा वो आप सेव कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।